solve it and find at home. Okay, in previous video we learned chapter number 1, the magic gardens, new words and word meaning. I hope you all clear that concept. Now today we will learn answer the question from the chapter 1, the magic garden. Okay, now we will start our first question. Where was the magic garden? Where was the magic garden? Where was the magic garden means magic garden kahan pe tha? Answer is the magic garden was in a school playground. The magic garden was in a school playground. The magic garden is in school playground means जो मैजिक गार्डन था वो स्कूल के प्लेग्राउंड में था. जो बच्चों स्कूल था ना उसके प्लेग्राउंड में वो मैजिक गार्डन सिचुएटेड था. नेम द फ्लावर्स दैट ग्रू इन द मैजिक गार्डन. नेम द फ्लावर्स दैट ग्रू इन द मैजिक गार्डन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज जो वहां पे फ्लावर्स ग्रो होते थे ना उसके नेम लिखने है. ओके, नाउ आंसर इज सनफ्लावर्स, रोजेस, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज ग्रू इन द मैजिक गार्डन. सनफ्लावर, रोजेस, मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पैंसीज फ्लावर्स आर ग्रू इन द मैजिक गार्डन. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Who were the little gardeners? Who were the little gardeners in this lesson? Answer. Children from the school were the little gardeners. Small school children were the little gardeners. Children from the school. जो school के छोटे छोटे से बच्चे थे वो gardener थे. Our fourth question. Why did the flowers love the little children? Why did the flowers love the little children? जो flowers थे वो little children को क्यों प्यार करते थे? The answer is the flowers loved the little children because they watered them. The flowers loved the little children because they watered them. Flowers थे वो बच्चों को इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो छोटे छोटे से जो चिल्ड्रन थे ना स्कूल के वो उनको डेली वाटर कैन से वाटर डालते थे. उनके ट्रस्टी रूट को वो वाटर डालते थे इसलिए वो फ्लावर्स बच्चों से बहुत प्यार करते थे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड द बर्ड्स लव द लिटिल चिल्ड्रन? व्हाई डिड द बर्ड्स लव द लिटिल चिल्ड्रन? जो बर्ड्स थे वो क्यों बच्चों को प्यार करते थे? आंसर इज द बर्ड्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे बॉट ब्रेड फॉर देम. द बर्ड्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे बॉट ब्रेड फॉर देम. जो छोटे छोटे से स्कूल के लिटिल चिल्ड्रन थे ना वो बर्ड्स के लिए डेली ब्रेड ले जाते थे. उनको खिलाने के लिए क्या लेके जाते थे? ब्रेड लेके जाते थे. इसलिए बर्ड्स को लिटिल चिल्ड्रन बर्ड्स लिटिल चिल्ड्रन को बहुत प्यार करते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डिड द फेरिस डू? व्हाट डिड द फेरिस डू? फेरिस जो गार्डन में थी वो क्या कर रही थी? द फेरिस डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स. द फेरिस डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स यानी जो फेरिस थी वो गार्डन में डांस कर रही थी और गाना गा रही थी. जो फेरिस गार्डन में थी वो क्या कर रही थी? डांस कर रही थी और गाना गा रही थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? बच्चों ने गार्डन में कौन सी आवाज सुनी? द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरिस in the garden. The children could hear the sweet songs of the fairies in the garden. बच्चों ने गार्डन में फेरिस जो गाना गा रही थी उसकी आवाज सुनी. Only school children hear the fairies
Homework.